बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अब हम बनाएंगे चावल, वेजिटेबल चावल। आप ये खा के तो चिकन मटन भूल जाएंगे। जायका ऐसा जायका जे खा के आप चिकन और मटन भूल जाएंगे। फिर आपको ये इन चावलों की फरमाइश आएगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं जी। सब सब्जियां हमने तैयार कर ली हैं, मटरों के भी दाने निकाल के रख लिए हैं, तो ये टमाटर भी वाश करके रख लिए हैं, प्याज का भी छिलका उतार के रख लिया, गाजर का भी छिलका उतार के रख लिया, ये शिमला भी वाश करके रख ली है, तो धनिया भी वाश करके रख लिया, ये मिर्ची भी धो के रख लिया, आलू का भी छिलका उतार लिया। सब सब्जियां तैयार कर ली हैं, अब हम इनकी कटिंग करते हैं। हमारी सब्जियां हो गई हैं तैयार। अब हम पहले ऑयल डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाली एक प्याली ऑयल डालेंगे ताकि तकरीबन कोई 1.5 किलो चावल हैं। ऑयल हमारा हो गया गरम, अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज अच्छी तरह हमने ब्राउन करना है, ये हल्का ब्राउन नहीं करना है, इसे तेज़ ब्राउन करना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर भी इसके अंदर निकले तड़के के। प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे हल्का फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, ये भी साथ में फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे वो सब्ज़ मिर्ची जो दोरी में पीसी हुई है, 2 मिनट तक इसे भी फ्राई करेंगे। ये सब चीज़ों को ऐसे पहले फ्राई करेंगे, सब सब्जियों को। अब हम इसके अंदर ही शिमला भी डालेंगे, उसे भी फ्राई करेंगे अच्छी तरह, और इसके अंदर ही गाजर भी डाल देंगे, उसे भी फ्राई करेंगे। इन्हें तकरीबन 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर ही आलू भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब चीज़ें पहले सब अच्छी तरह फ्राई हम करेंगे। अब हम इसके अंदर ही साबुत मसाले भी डालेंगे, ये 2 चम्मच हमने ज़ीरा लिया, ये हमने 4-5 डंडियाँ वो दालचीनी की ली हैं, मोटी इलायची ली है, इसका ना ऐसे मुंह हमने खोल लिया, इसका मुंह खोलने तो ये दाने हैं ना, ये मसाले के अंदर इनका पूरा जायका फिर निकलता है, अगर मुंह बंद रहे तो फिर पूरा मुकम्मल जायका नहीं इसका बाहर निकलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाद में चख लेंगे, अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे। सब्जियां माशाल्लाह हमारी फ्राई हो गई हैं, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बंद गोभी भी इसके अंदर डाल देंगे साथ में। अब हम इसको भी साथ थोड़ी देर 2 मिनट तक तकरीबन इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है इनको। माशाल्लाह हमारी सब्जियां हो गई हैं तैयार। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी को उबाला आ गया, ये सब्जियां भी हमारी गल गई हैं सब। अब हम इसमें चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी माशाल्लाह। अब हम इसमें ना तेज़ ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी आँच, तो हल्की भी नहीं रखनी, दरमियानी आँच रखनी है,
दरमियानी आंच में इसे पकने तक ऐसे हम दम में रखेंगे। साथ साथ ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा लाते जाएंगे, फिर जब पक जाते हैं दम देने लगते हैं फिर आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह, अब हमारे चावल हो गए हैं तैयार। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक दम लगाएंगे हल्की आंच पे। ऐसे ऊपर इसके धनिया का छट्टा लगा लेते हैं हल्का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे 10 मिनट तक दम लगाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हमें दम लगाए हुए। अब हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, दुआओं में याद रखा करो। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।